के मोटोवेल चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी आप पिछले ब्लॉग में देखें कि अभी हम लोग मुंडेश्वरी धाम से अभी निकल ही रहे हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं करमचट डैम, जो एक काफ़ी मतलब मशहूर है मतलब बिहार का। तो वहीं पर वो यहाँ से लगभग 42 किलोमीटर दूर है यहाँ से देखा जाए तो, मुंडेश्वरी से लगभग 40 से 42 किलोमीटर की दूर है। तो वहीं से भी जाते हैं, एक वहाँ से भी राइड हो जाएगा और साथ में और आपको व्यू दिखाते हैं वहाँ क्या कैसा व्यू है। तो चलिए डायरेक्ट वहाँ पर जाके मिलते हैं और वहाँ पे आपको वहाँ का मतलब सीन दिखाते हैं कि कैसा मतलब वहाँ का नज़ारा है। तो तब तक के लिए बने रहिए इस ब्लॉग में और इन्जॉय करते रहिए सिनेमेटिक्स वगैरह। तो हम लोग निकल चुके हैं मुंडेश्वरी मंदिर से, तो अभी हाईवे से निकल रहे हैं। तो अभी जाने में हम लोग को लगभग 1 घंटा यहाँ से मुंडेश्वरी से आपको लगेगा। तो तब तक के लिए अब जैसे कि मैंने बताया कि मुंडेश्वरी अभी पहले पिछला ब्लॉग में हम लोग देखेंगे कि मुंडेश्वरी बंद था, इसी कारण हम लोग अच्छे से दर्शन भी नहीं कर पाए। और हाँ गाइस, ये हम लोग का फर्स्ट राइड है, तो इसे तो एक हिसाब से हम लोग का जो एक्साइटमेंट लेवल है बहुत ही ऊपर है। तो ये हम लोग बता नहीं सकते कि अंदर से कितना हम लोग खुश हैं कि हम लोग पहला राइड पे जो घर से परमिशन मिल गया प्लस ago. You told me that you got me when your check came home. I've been waiting patiently cause you my homie bro, but times is getting hard so I'ma need to see that cheddar though. You ain't been picking up, you finding escapes. I might have to wipe you out just like you Colgate. You've been ducking at the crib thinking that you safe, but little do you know I'm posted right up in your driveway. तो आ गए हैं हम लोग हाईवे से उतर के, अंदर गांव के अंदर घुस चुके हैं। तो यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर और है, तो आप डायरेक्ट आपको यहाँ से करमचट देखने को अब वो सीन दिखाएंगे कि अब बीच में अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो अब डायरेक्ट करमचट का भी सीन दिखाते हैं। तो चलते हैं अब डायरेक्ट आपको करमचट का सीन दिखाने। तो फाइनली गाइज आ चुके हैं हम लोग करमचट डैम, जो हम लोग काफ़ी दिन से सोच रहे थे जाने के लिए, तो फाइनली वो जगह पे आ चुके हैं। आप इसका व्यू देखें तो व्यू काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पे पहाड़ी है, जंगल है, जंगल है और एक डैम है, बेसिकली एक डैम है। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा, तो आपको और सिनेमैटिक दिखाते हैं इसका। तो गाइज अभी जस्ट हम लोग करमचट डैम पहुँच चुके हैं, तो अभी इसका नज़ारा देखिए तो कुछ ऐसा दिखता है। तो एक पीछे से कि आपको पहाड़ी दिखती है, इसी के लोग यहाँ पर फोटो शूट कराते हैं और काफ़ी अच्छा व्यू है। आपको व्यू का आपको सिनेमैटिक में इस पर दिखा दूंगा कि आपको कैसा आपको सिनेमैटिक में आपको किस टाइप का आपको दिखता है। तो अभी देखिए, तभी हम लोग दोनों बाइक लेकर आए। तो ये है कुंदन भाई जो अपने अपाची को लेते हुए, तो यहाँ दोनों बाइक अपनी यहाँ पे खड़ी हुई है। तभी कुछ हम लोग फ़ोटो शूट करा रहे हैं, तो फ़ोटो शूट कराने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे घर। और बेसिकली ये एक मान के चलिए एक विजिटिंग प्लेस है, टूरिंग प्लेस है। यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा, बस एक डैम है जो इसे हम लोग जिसमें हम लोग खड़े हैं यही डैम है। तो डैम काफ़ी खूबसूरत है। एक और डैम है जो आपको कभी हम जाएंगे वहाँ पे, तो आप वहीं का भी आपको डैम दिखा देंगे। डैम आपको काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलता है, आपको फ़ोटो शूट कराना है तो काफ़ी बेहतर मिलता है। अभी मौसम धूप हो गया एकदम। तो गाइज जब हम लोग निकलते हैं घर, तो घर निकलता है अब तब उसे बात करते हैं और तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। तो गाइज हम लोग का ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपके ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।